आप फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। ये जो आप प्लांट देख रहे हो ये पुर्सलेन प्लांट है और इसके ऊपर जो फूल लगे हुए हैं ये इसी प्लांट के फूल हैं। और ये जो पुर्सलेन प्लांट है ये पोर्टल का या दोपहर खिड़ी जिसको बोलते हैं या जिसे 9 o'clock प्लांट बोलते हैं उसका ही सिस्टर प्लांट है। ये उसी सुकुलेंट जो टाइप का प्लांट है और इसमें बहुत ही दोपहर घड़ी की तरह ही बहुत घने फूल आते हैं। आप देख रहे हो ये मेरा जो प्लांट है ये बहुत पुराना प्लांट नहीं है। मैंने 4-5 महीने पहले ही इतनी को शाख जो थी ये कहीं अपने फ्रेंड से लेकर आया था और उसको ही मैंने इसी पॉट में लगा दिया था। और ये देखो कि इसने ये टर्टल वाइन के साथ साथ पूरा जो पॉट है उसको घेर लिया है और इतने परफ्यूज फ्लावरिंग दे रहा है कि मैं इसके कई बार फूल गिन नहीं सकता हूँ। और अब फूल लगे हैं तो देखो बर्ड्स कितनी अच्छी तरह डेवलप हो रहे हैं और सब जगह बर्ड्स हैं और फूल लगातार बरस रहे हैं इस पर। और इस प्लांट का जितना ज़्यादा ये फ्लाव है और जितनी इसकी अच्छी सुंदरता है उतनी ही ये कम केयर मांगता है। और इस प्लांट को ना तो ज़्यादा पानी चाहिए ना ज़्यादा फर्टिलाइज़र चाहिए और इसको सिर्फ धूप चाहिए। धूप इसको बहुत पसंद है जैसे दोपहर खिड़ी को पसंद होती है। तो आप देख रहे हो कि ये जो प्लांट है इसके कितने सुंदर फूल हैं। फूल कितने कई और रंगों के भी होते हैं लेकिन मेरे पास यही वैरायटी है तो मैंने इसी पे आपको बताना है कि इस प्लांट को कैसे प्रोपिगेट करना है, कैसे इसकी केयर करनी है ताकि जो आप मैक्सिमम प्लांट के जो है फूल ले सकें। प्लांट जो है कई आप देखे होंगे कि प्लांट आपने लगाए हैं उसमें फूल नहीं आ रहे हैं तो फूल नहीं आ रहे हैं ये देखो कि इस पर पेस्ट तो नहीं है, पहले पेस्ट कंट्रोल करो। और इसमें चींटियाँ जो हैं वो ज़्यादा अटैक करती हैं, चींटियाँ तो नहीं हैं और एफिड्स वगैरह को खाने के लिए चींटियाँ आती हैं। अगर एफिड्स वगैरह इसके ऊपर लगे हुए हैं तो उनको उतारो या उस पर पेस्टिसाइड स्प्रे करो। लेकिन मैंने जब से ये प्लांट लगाया हुआ है इसको ना तो कोई पेस्ट आकर इसको है ना ही इसको मैंने कोई ख़ास इसका जो है देखभाल की है तो लेकिन ये इट थ्राइव्स इन नेगलेक्ट। इसकी जितनी ही कम देखभाल करोगे इतना ही ज़्यादा सौंदर्य आपके आंगन में बखेरेगा। तो अब इसको प्रोपेगेट कैसे करना है, इसकी इतनी को शाख लो, सिर्फ इसको आपने मिट्टी में दबा देना है और ये विद इन डेज ही अच्छी तरह रूट्स डेवलप कर लेती है। और इस तरह जैसे ये मेरे पॉट में इसने आपको भरपूर अवस्था में हासिल कर लिया है, इस तरह ही ये बहुत अच्छी तरह और बड़ी स्पीड से डेवलप होती है। अब इसको फर्टिलाइज़र कैसी देनी है, फर्टिलाइजर जो दी है जिससे ये इतना अच्छा रिजल्ट आया है वो ये है कि आपने सरसों की जो खली होती है उसको मस्टर्ड केक जो होता है उसको लेकर के उसका पाउडर बना लेना है। उसको आप ग्राइंड कर लो तो पाउडर बन जाता है, बहुत रेतीले पाउडर बन जाएगा। तो आपने इसकी ये मिट्टी में ग्राइंड करो और वहाँ पाउडर को बखेर के मिट्टी में वो मिक्स कर दो लेकिन पानी 1-2 दिन के बाद इसको प्लांट को तब लगाओ। और उसके बाद ये आपने हर 15 दिन बाद इतने बड़े पॉट के लिए सिर्फ 2 या 3 चम्मच ही आपने जो सरसों की खली है वो बखेरनी है या फिर केले जो हैं उनके जो पील्स होते हैं उसको आपने ग्राइंडर में लेकर के पानी करके इसको आपने लिक्विड फर्टिलाइज़र बना लेना है। और जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो आपने जहाँ उसके पॉट में आपने इसको डाला तो आप देखोगे इन इस फर्टिलाइज़र का इतना स्पीडली असर होगा, हैरानीजनक जो आप जो है देख करके बहुत ही हैरान रह जाओगे कि इतने प्लांट कहाँ से आ गए हैं। तो ये जो फर्टिलाइज़र है मैंने अप्लाई किया है तो आप देख सकते हो कि मेरे ये पॉट में एक ही प्लांट ने कितने बड़े भरपूर मात्रा में और कितने सुंदर फूल जो हैं दिए हुए हैं। तो आपने इस प्लांट को आपके घर में आपके आंगन में इसको जगह दो, ये आपके आंगन में
चार चांद लगा देगा। और ये आपको मैंने जैसे बताई है कि बहुत कम केयर मांगता है, तो ये प्लांट लगाने के लिए और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो कमेंट में ज़रूर आप पूछ सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है ग्रो प्लांट्स विग वे, उसको सब्सक्राइब करो।